Hello students, in this video lecture we are going to discuss the last group in the protozoa, that is the flagellated protozoans. Now just the meaning itself denotes that in these protozoans the locomotory structure, that is the flagella. Now the class in the protozoa in which the various locomotory structures are the flagella, it can be one flagella, it can be more than one flagella also. So class also called zoomastigophora. Mastigophora means flagellata. So zoo का मतलब like animals, mastigophora का मतलब ऐसे animals, or you can say the animal like which are having the flagella for the locomotion. ठीक है, तो इसमें mastigophora एक बड़ा वहां पे क्या है, एक super class है जिसके अंदर क्या इसमें phytomastigophora और zoomastigophora उसके अंदर include होते हैं, लेकिन we are discussing the animal like characters, so we are discussing the zoo flagellata. अब botany में डिस्कस करेंगे वहां पे कि उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, वो भी किसके अंदर आते हैं, वो भी मैस्टिगोफोरा के अंदर ही आते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह प्रेजेंट होता है तो वो बोटनी का पार्ट हो गया. तो हम जूलॉजी वाला डिस्कशन में वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी जू मैस्टिगोफोरा, आल्सो कॉल्ड जू फ्लैजेलेटा. नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ द ए टिपिकल फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन वी कैन से दैट हैबिटेट जो इनका है दे आर फ्री लिविंग. ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे फ्री लिविंग है, सम आर फ्री लिविंग एंड कैसा है, एक्वेटिक है, सम आर पैरासिटिक आल्सो. फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं टिटनोसोमा, डिस्कस करेंगे लेशमानिया, डिस्कस करेंगे जियार्डिया इंटेस्टिनलिस. ठीक है, तो काफी सारे फ्री लिविंग है, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक आल्सो एंड सम ऑफ देम आर सिम्बायोंट आल्सो. ठीक है, जैसे ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो इसमें डिस्कस करेंगे, दोबारा एक बार ब्रीफ से बताएंगे आपको कि ट्राइकोनिम्फा और लोफोमोनास है वो कैसे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं इन द टर्माइट्स एंड द वुड रोचेस. ठीक है, तो हैबिटेट क्लियर हो गया, इनका जो अकरेंस है कहां पे मिलते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ सेकेंड पॉइंट दैट because these characters they are the animal like characters and in the animals there is no cell wall, but around the body we can say the body is surrounded by pellicle. theek hai, to isko hum yugla mein discuss kar chuke hain, kafi baar discuss kiya isko, to isko repeat nahi karenge. now nucleus ki baat karte hain, to nucleus kitne hote hain, single nucleus hoga, uninucleate or can be multinucleated. ये एक रेयर कंडीशन है, जनरली कितने न्यूक्लियस मिलेंगे, जनरली सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस ही क्या मिलता है इनके अंदर मिलता है. ठीक है, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं जियार्डिया के बारे में, तो जियार्डिया जो आल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं. बट द मल्टीन्यूक्लियेट कंडीशन इज ए वेरी रेयर कंडीशन, जनरली इन द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स ओनली सिंगल न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड. लोकोमोशन स्ट्रक्चर कौन सा होगा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फ्लैजेला होगा. नाउ फ्लैजेला कैन बी वन फ्लैजेला और मोर देन वन आल्सो, एक भी फ्लैजेला हो सकता है, एक से ज्यादा भी फ्लैजेला हो सकते हैं. इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल जियार्डिया में हमको देखने को मिलेगा देयर विल बी फोर पेयर्स. जियार्डिया में एट क्या मिलते हैं, फ्लैजेला उसके अंदर मिलते हैं, बट जनरली कितने होंगे, जनरली सिर्फ सिंगल फ्लैजेला क्या होगा उसके अंदर मिलेगा. बात करने वाले हैं किसकी, न्यूट्रिशन की. तो न्यूट्रिशन की जहां पे बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रोटोजोआ दे आर द प्रिमिटिव एनिमल्स. ठीक है, क्योंकि बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक है बीच में, तो कैसा होगा, होलोजोइक होगा, इंजेक्शन करेंगे फूड का, और जो भी पैरासाइट होंगे उसके अंदर कौन सा होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा. ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन जहां पे होता है वहां पे क्या होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर कि जनरली जो माउथ है वो माउथ क्या होगा, एब्सेंट होगा. तो ये क्या होते हैं, दीज आर दी सर्टन अडेप्टेशंस इन दी पैरासाइट्स, जहां पे क्या होगा, जहां पे जो माउथ है, तो मैं यहां पे क्या लिखा, लास्ट में आप ध्यान से देखिए कि माउथ एब्सेंट. सो माउथ एब्सेंट किसमें एब्सेंट होगा, माउथ जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि वहां जो फूड होगा, जो न्यूट्रिशन होगा, वो क्या कर लेंगे, जस्ट वो क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द माउथ, सो दैट्स व्हाई क्या होगा, यहां पे माउथ क्या होगा, एब्सेंट होगा. किसमें एब्सेंट होगा, जो फॉर्म्स कैसी हैं, जो फॉर्म्स पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, उसमें क्या होगा, माउथ क्या होगा, एब्सेंट होगा. यदि बात करें हम किसकी, रिप्रोडक्शन की. सो रिप्रोडक्शन जनरली कौन सा होता है, एसेक्सुअल,
सेक्सुअल काफी रेयर है, इट इज जनरली नॉट फाउंड इन द फ्लैजेलेटेड क्रोमोसोम्स, बट एसेक्सुअल के अंदर कौन सा होगा, दैट इज द बाइनरी फिशर। ठीक है, सो एसेक्सुअल में कौन सा है, बाइनरी फिशर है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया, एसेक्सुअल हो गया, जनरली सेक्सुअल है वो काफी रेयर यहां पे मिलता है। बात करें किसकी, सीवी की, सीवी का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन, प्रेजेंट, प्रेजेंट किसके अंदर, जो पैरासिटिक नहीं है, नॉन पैरासिटिक फॉर्म में क्या होगा, सीवी प्रेजेंट होगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो दैट इन केस ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स द सीवी इज एब्सेंट बिकॉज दिस ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन द आइसोटोनिक एनवायरमेंट विद द होस्ट। ठीक है, तो वहां पे सीवी कहां प्रेजेंट होगा, सीवी यहां लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि सभी में प्रेजेंट होगा, कहां होगा, इन द नॉन पैरासिटिक फॉर्म, नॉन पैरासिटिक फॉर्म में सीवी प्रेजेंट होगा फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन, माउथ विल बी एब्सेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। सो जस्ट जो भी वी कैन से न्यूट्रिशन होगा वो कैसे लेंगे, डिफ्यूजन से लेंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन वो भी कैसे होगा, क्योंकि सीवी तो है नहीं यहां पे। ठीक है, और जनरली सीवी क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो गया या न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो गया, वो प्रोसेस किससे होगा, बाय द डिफ्यूजन। जहां पे जनरली अपन बाद में एनिमल किंगडम में स्टडी करेंगे कि जो भी मोस्टली जो भी पैरासाइट फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे टीनिया सोलियम के बारे में, टेप फॉर्म के बारे में, वहां भी जनरली किससे होता है, क्योंकि वहां पे इंटेस्टाइन भी एब्सेंट होता है, वहां पे माउथ भी एब्सेंट होता है, सो वहां पे न्यूट्रिशन कहां से लेते हैं, वो बॉडी सरफेस से थ्रू द डिफ्यूजन। ठीक है, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स। ठीक है, इसमें जैसे हमने डिस्कस किया स्पोरोजोआ में सारे के सारे एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यहां सारे एंडो पैरासाइट नहीं है, सम आर फ्री लिविंग, सम आर पैरासाइट्स एंड सम आर सिम्बायंट आल्सो। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन यहां पे, दैट इज कॉल्ड ट्रिपनोसोमा गैम्बियंसी दैट कॉज स्लीपिंग सिकनेस। तो वहां पे थ्री डिफरेंट स्पीसीज है जिनको हम क्या करेंगे, अब वन बाय वन करके यहां पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रिपनोसोमा का जनरल डायग्राम देखें कैसा दिखाई देता है, कैसे इसमें फ्लैजेला होता है, उसके बाद में वी विल मेक ए कंपैरेटिव चार्ट एंड वी विल डिस्कस द थ्री स्पीसीज ऑफ द ट्रिपनोसोमा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फर्स्ट पैरासाइट दैट इज द ट्रिपनोसोमा। ठीक है, अब ट्राइपनोसोमा क्या होते हैं, काफी सारे स्पीसीज होती हैं। पहले एक जनरल सा डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें काफी सारे फॉर्म्स हम डिस्कस करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, देन क्रिस्टल फॉर्म होता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ये अपना जो शेप है, जो इसका लाइफ साइकिल होगा उसमें चेंज करता रहता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया, इसमें क्या मिलेगा, देयर विल बी वन न्यूक्लियस विल बी देयर, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज वन बेसल बॉडी क्या होती है, जहां से क्या अराइज होता है, जहां से फ्लैजिला अराइज होता है। ठीक है, सो ऐसे क्या होगा, इसके पास में फ्लैजिला होगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए जो फ्लैजिला यहां पे, या फ्लैजिला क्या हो गया कि इसकी जो सरफेस है, बॉडी सरफेस है, इससे क्या है, अटैच्ड है। जनरली आपने देखा होगा कि जो फ्लैजिला वो फ्री फ्लैजिला के रूप में दिखाई देता है, तो यहां पे क्या होगा, दिस इज द अंडुलेटिंग, दिस इज द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, दिस इज द फ्री पोर्शन ऑफ flagella, this is the nucleus and this is the basal body। ठीक है, this is the figure, जो भी आप डायग्राम बनाते हो you have to write below the diagram कि आपने किसका बनाया, so this is the trypno। ठीक है, so look at this diagram, that in that diagram there is one single nucleus, apart from this isme ectoplasm hoga, endoplasm hoga, to usko hum pehle discuss kar chuke hain, and ek kya hoga, ek endolating kya hoga, membrane hoga, there will be one free portion of the flagella, and basal body jahan se kya hoga, ye flagella hai wo kya hota hai, arise hota hai। Phir ho gaya,
ठीक है, एंड यू कैन राइट इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे इसको, कौन सा जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा, थिन पार्ट होगा, दैट इज द एक्टोप्लाज्म, और अंदर जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा दैट इज द एंडोप्लाज्म। ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर द थ्री डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ट्राइपनोसोमा। नाउ फर्स्ट स्पीसीज दैट इज कॉल्ड ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी, सेकेंड इज कॉल्ड ट्राइपनोसोमा रोडेशियंसी, थर्ड इज कॉल्ड ट्राइपनोसोमा रुजई। तीन यहां पे स्पीसीज है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज द ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी। ठीक है, नाउ पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी ये क्या है, दिस इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जस्ट रिमेंबर अबाउट द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमने क्या डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडियम क्या करता है कि आरबीसी के अंदर एंटर किया था उसने, हमने देखा था वहां पे। उसके अलावा जो लीवर हिपेटोसाइट था उसके अंदर भी क्या हुआ था, उसने एंटर किया था। लेकिन जो ट्राइपनोसोमा है, ट्राइपनोसोमा कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, ये सेल के बाहर ही क्या रहेगा, हमेशा प्रेजेंट रहता है, वहीं से क्या करता है अपना पैथोजेनिक कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। इतना क्लियर है। नाउ दिस ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंडोपैरासाइट एंड इट कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, बिकॉज ये जो डिजीज है मोस्टली कहां पे होती है, अफ्रीकन कंट्रीज में होती है। तो यहां पे क्या नाम दे दिया इसको, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, आल्सो कॉल्ड गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, आपको ऑप्शन में यदि आपको स्लीपिंग सिकनेस भी मिलता है कि ट्राइपनोसोमा कॉज विच डिजीज, तब भी आपको वहां पे देखना कि वहां पे आपको स्लीपिंग सिकनेस ही आपको मिलेगा, आपके लेवल तक आपको अफ्रीकन है कि वो रोडेंसियंसी है कि वो चगास डिजीज है, आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ पहली चीज एक्स्ट्रासेलुलर पैरासाइट, सेकंड इट कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, आल्सो कॉल्ड गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस। अब देखिए ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी है, इसके अंदर जो लाइफ साइकिल होगा वो कैसा होगा, लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डाइजेनेटिक का मतलब क्या हो गया कि इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो डिफरेंट होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमरी होस्ट भी होगा और सेकेंडरी होस्ट भी होगा, जाहिर सी बात है इसमें एक रिजर्वोयर होस्ट भी होता है। ठीक है, तो यहां देखिए वेक्टर कौन है, ठीक है वेक्टर कौन होता है कि जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में क्या करता है कि जो डिजीज को कैरी करता है या ट्रांसफर करता है। यहां पर देखिए क्या है, दैट इज कॉल्ड टेट्सी फ्लाई। अब कई बच्चे क्या पढ़ते हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई नहीं है, क्या है, दिस इज द टेट्सी फ्लाई। आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, टेट्सी फ्लाई, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वेक्टर। इसका जो जूलॉजिकल नेम है दैट इज कॉल्ड ग्लोसिना पेल्पेलिस। सो ग्लोसिना पेल्पेलिस कॉमन नेम क्या हो गया, टेट्सी फ्लाई। इसके बाइट करने से क्या होता है कि जो ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी है ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसका जो रिजर्वर होस्ट है वो कौन है, कौन है, एंटीलोप और कौन है पिग्स, ये क्या है, रिजर्वर होस्ट। रिजर्वर होस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजर्वर होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर जब तक कोई प्राइमरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट नहीं मिलता, जब तक कोई भी इसके पास में दूसरा होस्ट अवेलेबल नहीं है, तब तक इस रिजर्वर होस्ट में क्या करता है कि वो पैथोजन सरवाइव करता है विदाउट कॉजिंग एनी पैथोजेनिक इफेक्ट। तो ये कौन सा हो गया, रिजर्वर होस्ट, एंटीलोप एंड पिग्स वेक्टर। दो चीजें यहां पे जो आपको याद रखनी है कौन सी कंपटीशन के लिए, पहली कौन सी डिजीज ये कॉज करता है, कौन सी डिजीज कॉज करता है, दैट इज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस भी याद रख सकते हो ट्राइपनोसोमा कॉज करता है, एंड सेकंड इज द वेक्टर, इसका वेक्टर कौन है। ठीक है, अब यहां पे मुद्दे की बात ये आती है कि यहां पे इसको स्लीपिंग सिकनेस इसको क्यों बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी है ये ब्लड में आने के बाद में इट कैन एंटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, और ब्लड में किसी सेल में तो एंटर करेगा नहीं, इसका मतलब सेल के बाहर रहेगा, सेल के बाहर क्या है, सेल के बाहर है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, सो ब्लड प्लाज्मा से दिस ट्राइपनोसोमा इट विल एंटर इनटू द सीएसएफ। सो पहले कहां पे जाएगा, फर्स्ट इट विल एंटर इनटू द, जैसे ही जो ये टेट्सी फ्लाई बाइट करेगी तो ट्राइपनोसोमा कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा, सेल में एंटर नहीं करता है,
एंड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इट विल एंटर इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कहां पे आता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इन योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो आपके ब्रेन को क्या करता है, अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए क्या होता है कि उस पर्सन को काफी नींद आती है, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि नींद के अंदर ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज द वन सिम्टम ऑफ दिस ट्राइपनोसोमा गैम्बियंस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब जो दूसरा है ट्राइपनोसोमा रोडेसियंसी, नाउ ट्राइपनोसोमा रोडेसियंसी के अंदर क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे वेक्टर कौन सा है और वहां पे रिजर्वॉयर होस्ट कौन सा है। नाउ यहां पे एक पॉइंट और यहां पे आप देखिए कि जो ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी है, इस ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी में क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या पॉलीमॉर्फिज्म। ये आप इसी के नीचे जो आपने टेबल बनाई होगी एक हॉरिजॉन्टल पेज में, तो आप इसी के नीचे इसको लिखोगे क्या पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इन ट्राइपनोसोमा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब मिक्स में क्या होगा कि मोर देन वन मॉर्फोलॉजी मिलती है, काफी सारे डिफरेंट फॉर्म्स इसके अंदर मिलती हैं। तो जो इसके अंदर फॉर्म्स मिलते हैं इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेकिन क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर वी कैन सी देयर आर फोर डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। पहला जो इसके अंदर फॉर्म मिलता है दैट फॉर्म इज कॉल्ड, जो हमने डायग्राम भी बनाया था, दैट फॉर्म इज कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड सिलेंडर फॉर्म। इसका मॉर्फोलॉजी कैसा रहेगा, बिल्कुल एक सिलेंडर की तरह रहेगा। उसके बाद में दिस विल चेंज इटसेल्फ टू स्टंपी फॉर्म, देन उसके बाद में क्रिथिडियल फॉर्म, एंड द फोर्थ इज द मेटासाइक्लिक फॉर्म, ठीक है। तो इसमें फोर डिफरेंट टाइप से क्या मिलती है, मॉर्फोलॉजी के अंदर मिलती है, ठीक है। लेकिन यहां पे चारों के अंदर एक तो आपको एमसीक्यू में क्या पूछेंगे कि इसमें पहले कौन सा मिलता है, सेकंड कौन सा मिलता है, तो आपको बिल्कुल सीरियल इसका याद रखना है। एंड दिस मेटासाइक्लिक फॉर्म, यहां आपको याद रखना है फॉर अवर एग्जाम, क्या दिस मेटासाइक्लिक फॉर्म इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। मतलब जैसे ही टेक्सी फ्लाई किसी भी ह्यूमन बींग को बाइट करती है तो वहां पर कौन सी फॉर्म ह्यूमन बींग्स के ब्लड में एंटर करेगी, दैट इज द मेटासाइक्लिक फॉर्म। जैसे हमने डिस्कस किया था प्लाज्मोडियम के अंदर कि वहां पे कौन सी फॉर्म एंटर करती है, स्पोरोजॉइट फॉर्म एंटर करती है, ऐसे यहां पे क्या होगा, कौन सी फॉर्म एंटर करती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म, इट विल एंटर इनटू द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। सो फॉर द कॉम्पिटिशन यहां पे वेक्टर एक्सट्रासेलुलर पैरासाइट कौन सा डिजीज क्रोज करता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये कुछ पॉइंट है आपको हमेशा फोकस करने हैं, आपको हमेशा देखने हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू स्पीसीज, ट्राइपनोसोमा रोडेसियंसी एंड ट्राइपनोसोमा क्रूजाई। नाउ दीज टू मोर स्पीसीज, सेकेंड इज दी ट्राइपनोसोमा रोडेसियंसी एंड थर्ड इज दी ट्राइपनोसोमा क्रूजाई। नाउ दिस कोज रोडेसियंसी स्लीपिंग सिकनेस, जैसे हमने डिस्कस किया था गैम्बियंसी में इट कोज गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस, एंड यहां पे क्या कोड रोडेसियंसी स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो वेक्टर होगा सेम है, टेक्सी फ्लाई है, लेकिन उसका स्पीसीज दूसरा है। लेकिन आप इतना ही रखता हो कौन सा स्पीसीज है, ग्लोसिना स्पीसीज, वहां पे क्या था ग्लोसिना पल्पलिस, दूसरा वहां पे क्या था वी कैन से एक अदर स्पीसीज था, यहां पे दूसरा स्पीसीज होगा। यहां पे रिजर्वर होस्ट क्या है, यहां हमने क्या देखा था एंटीलोप एंड पिग्स, यहां पे क्या है रिजर्वर होस्ट, इट कैन बी मैन, इट कैन बी वेरियस जो डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स कैट्स, ये यहाँ पे हो सकते हैं एज ए रिजर्वर होस्ट, ठीक है। इन द ट्राइपनोसोमा क्रूजाई इट इज ऑल्सो कोल्ड चगास डिजीज। इसका जो वैक्टर है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि एक तो आप तो पूछेंगे वहां पे कौन सा वैक्टर होगा, टेक्सी फ्लाई, ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी और ट्राइपनोसोमा रोडेसियंसी का। यहाँ का जो वैक्टर दैट इज कोल्ड ट्राई एटमा, ठीक है, ट्राइएटमा आल्सो कॉल्ड किसिंग बग, ठीक है, बिकॉज दिस ट्राइएटमा दिस किसिंग बग इट नॉर्मली प्रेजेंट ऑन दी और यू कैन से इट नॉर्मली जो कंटेमिनेटेड वाउंड्स होते हैं, ठीक है, मान के चलिए नॉर्मली जो ये लिप्स वाला एरिया यहां पे क्या करता है, जो
ये किसिंग बग यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या करता है, जो भी इसके एग्स होते हैं वो वहां पे क्या करता है, ले करता है, ठीक है। सो किसिंग बग आल्सो कॉल्ड, इसका जो साइंटिफिक नेम इज कॉल्ड ट्राइटमा, एंड ये कहां पे करेगा, जनरली जो किसिंग बग होगा ऑन दी वर्म्स, ठीक है। तो जो भी वर्म्स होते हैं उनको क्या करता है, कंटामिनेट कर देता है, जिससे क्या होगा, जो पैथोजन होगा वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। रिजर्वर होस्ट कौन सा है, मैन अगेन क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल कैट्स हैं, डॉग्स हैं एंड मंकीज आल्सो, ये क्या है, रिजर्वर होस्ट होते हैं। लेकिन तीनों के अंदर दोबारा सुन लीजिए आपको क्या याद रखना है, ट्राइपनोसोमा गैम्बियंसी कोल्ड, गैम्बियंसी स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा, डेडसी फ्लाई। ट्राइपनोसोमा रोडेसियंसी कौन सा करता है, रोडेसियंसी स्लीपिंग सिकनेस कौन करेगा, ग्रोसिना स्पीसीज। ट्राइपनोसोमा क्रूजाई आल्सो कोल्ड चगास डिजीज, वेक्टर कौन है, ट्राइटमा आल्सो कोल्ड किसिंग बग, ठीक है। और इसका रिजर्वर होस्ट कौन कौन है, मैन कैट्स डॉग एंड मंकी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पे आप लोग याद रखिए कि जो भी वर्म्स होते हैं वहां पे क्या करता है, अपना जो फीकल मैटर होता है ये किसिंग बग वहां पे क्या करता है, ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, जिससे क्या होगा, ये इंफेक्शन क्या होता है, बाद में स्प्रेड होता है। जनरली ये भी क्या, फर्स्ट इट विल एंटर इनटू द ब्लड प्लाज्मा देन इनटू द सीएसएफ, सेम यहां पे इट विल एंटर इनटू द ब्लड प्लाज्मा देन एंटर टू सीएसएफ। तो सारे क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग टू इन्फेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जियार्डिया इंटेस्टिनल्स एंड 3 to 4 एग्जांपल्स मोर, देन वी विल फिनिश दिस फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। द नेक्स्ट एग्जांपल इन द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ दैट इज अबाउट द जियार्डिया इंटेस्टिनल्स, also called Giardia lamblia. Now these name Giardia and the name lamblia, it comes from Lamel, the name of a scientist. ठीक है, तो दो साइंटिस्ट थे जिनके नाम के ऊपर क्या रखा गया है, इस यू कैन से पैरासाइट का नाम रखा गया है, ठीक है। सो दिस इज द एंडोपैरासाइट, ये क्या है, दिस इज द एंडोपैरासाइट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है जो आपको एमसीक्यू में काफी बार मिलेगा, इट्स आल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काफी लंबे टाइम तक क्या रहता है, काफी लंबे टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहता है, रहता है विदाउट गिविंग एनी सिम्टम्स, ठीक है। सो इसका जो लाइफ स्पैन है काफी लंबा होता है, ठीक है, कई बार मालूम भी नहीं चलता कि इसका इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। सो विदाउट कॉजिंग एनी सिम्टम्स it live for many years in the small intestine, that's why also called grand old man of the intestine, theek hai। and iska jo transmission hai wo kaise hota hai, iska koi vector nahi hai, kaise hoga, through the contaminated food and water, uske through kya hoga, iska transmission hota hai from the one host or you can say one person to the next person। so disease kaun sa ho gaya, disease is called giardiasis, so name of the disease giardiasis, method of transmission through the contaminated food and water, ठीक है, also called grand old man of intestine। and one peculiar feature that when you look into this diagram, कितने फ्लैजेला दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब there are four pairs और 8 फ्लैजेला, and how many nuclei, 1 2, कितने nucleus हैं, there will be 2 nucleus, and how many फ्लैजेला, there are 8 फ्लैजेला, ठीक है। तो competition में डिटेल से नहीं पूछेंगे आपको, just ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन और कौन सा डिजीज कॉज करता है, स्प्रेड कैसे होता है, ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी लेशमानिया, जो क्या करता है, काला आजार कॉज करता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज दी लेशमानिया डोनोवनी। नाउ लेशमानिया जब आप इसका डायग्राम देखोगे तो यहां पे इसमें भी क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था किसमें, इन दी ट्राइपनोसोमा, वैसे ही क्या मिलता है इसके अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है, मतलब इन वन स्टेज देयर विल बी फ्लैजेला एंड इन दी नेक्स्ट स्टेज देयर इज नो फ्लैजेला। नाउ ये जो यहां पे स्टेज है जहां पे क्या प्रेजेंट है, जहां पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है। सो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फ्लैजेला क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज दी वन पॉलीमॉर्फिक
form of the Leishmania. Now another polymorphic form, जहाँ पे क्या होगा, flagella absent होगा, that is called amastigote form. ठीक है, amastigote form में क्या होगा, flagella will be absent. ठीक है, so like the trichnosoma, Leishmania also show polymorphism. There is one form called amastigote form in which flagella is absent, and the next form called promastigote form in which flagella is present. And this promastigote form, it is the infective stage. It is the infective stage. ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या था, metasaccharine form. ठीक है, नाउ Leishmania यहाँ पे आपको एमसीक्यू में आपको क्या रखना है कि वहां पे ये कौन सा डिजीज कोज करता है. ठीक है, सो डिजीज कौन सा कोज करेगा, काला अजार. ठीक है, काला अजार और आल्सो कॉल्ड, इट आल्सो कॉल्ड दमदम फीवर. ठीक है, दमदम जो है इट इज ए प्लेस नियर कोलकाता, कोलकाता के पास में एक जगह का नाम है दमदम फीवर. दमदम फीवर कोज करता है, जगह का नाम क्या होगा, दमदम, क्या है, जगह का नाम है. ठीक है, सो व्हाई इज इट कॉल्ड काला अजार, क्योंकि ये जो डिजीज होगा इसमें स्किन के ऊपर क्या बन जाते हैं, ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, काले काले धब्बे बन जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, काला अजार इसको बोलते हैं. ठीक है, इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है, दैट इज दी सैंड फ्लाई. ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेबोटोमस अर्जेंटिपस. जो पीएच है ये क्या रहेगा, यहाँ पे ये साइलेंट रहता है, क्या नाम हो गया, लेबोटोमस अर्जेंटिपस. दिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द सैंड फ्लाई. सो वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई. डिजीज कौन सा है, काला अजार, आल्सो कॉल्ड डमडम फीवर. क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर. बाकी सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे हम डिस्कस कर मलेरिया के अंदर कि फीवर आता है, फीवर तो क्या सभी डिजीज में आता है. ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या आएगा, फीवर. तो जैसे मलेरिया में आरबीसी ब्रस्ट होती है, यहां भी आरबीसी ब्रस्ट होगी तो क्या हो जाएगा, अनीमिया. उसके बाद तो घोस्ट आरबीसी बनेगी, उसको इलिमिनेट कौन करता है, स्प्लीन. मतलब स्प्लीन की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन आल्सो कॉल्ड ब्लैक फीवर, क्योंकि ब्लैक पैचेस यहां पे बन जाते हैं. ठीक है, एक और यहां पे स्पीसीज है कॉल्ड Leishmania infantum. Leishmania infantum का मतलब क्या होगा, ये जो डिजीज है ये किसको होगी, इन्फेंट्स को होती है. ठीक है, एक और कौन सा, Leishmania चगासी. इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जो डार्विन साइंटिस्ट था, डार्विन की जो डेथ है, ठीक है, डार्विन की जो डेथ हो, किसे कारण हुई थी, Leishmania चगासी, किसे कारण क्या हुई थी, उसकी डेथ हुई थी. ठीक है, तो Leishmania और ट्राइकनोसोमा ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दिस जियार्डिया इंटेस्टिनल वो भी काफी इंपॉर्टेंट है. अब यहां पर नेक्स्ट जो टू एग्जाम्पल्स है जहां पर पढ़ेंगे अपन, क्या, ट्राइकोमोनास होमेबेस एंड ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, उसको हम डिस्कस करेंगे. नाउ टू मोर एग्जांपल्स आर प्रेजेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नेक्स्ट एग्जांपल इज द ट्राइकोमोनास वेजिनलिस. ट्राइकोमोनास वेजिनलिस, वेजिनलिस का मतलब इट इनहिबिट्स द वजाइना एंड डिजीज कॉल्ड ट्राइकोमोनियासिस. नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिजीज देयर विल बी इचिंग इन द जेनिटल रीजंस, आल्सो द वाइटिस डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकोरिया, क्योंकि इसमें काफी सारे डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं. सो दिस सिम्टम यू कैन से वाइटिस डिस्चार्ज इज कॉल्ड ल्यूकोरिया, एंड दिस स्प्रेड्स और यू कैन से ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइकोमोनास होमिनिस. ट्राइकोहोमिनिस इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट कॉज माइल्ड डायरिया, मॉडरेट फॉर्म है डायरिया का, वो यहां पर क्या करता है, कॉज करता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे दो एग्जांपल्स और बचे हैं, तो वहां पे जो डिस्कस करने वाले हैं हम, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज अबाउट द ट्राइकोनिम्फा, दैट इज द ट्राइको निम्फा एंड लोफोमोनास. ठीक है, नाउ ट्राइकोनिम्फा एंड लोफोमोनास दे आर प्रेजेंट एज सिम्बायोट. कहां प्रेजेंट है, दे आर Trichonympha is present in the intestine of termites and Lophomonas is present in the intestine of wood roaches. ठीक है, और ये कोई पैरासाइट नहीं है, दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, they are symbionts. ठीक है, और मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो टर्माइट्स और वुड रोचेस क्या करते हैं, लकड़ी खाते हैं, वुड खाते हैं.
लेकिन उनके पास में जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ट्राइकोनिम्फा ये क्या करेगा, ट्राइकोनिम्फा विल सिक्रीट एंड यहाँ पे लोफोमोनास विल सिक्रीट, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करते हैं ये सेलुलोज, दे विल सिक्रीट द सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम हो क्या करेगा, ये सेलुलोज को किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है एंड ठीक है, और ये जो ग्लूकोज होगा ये ग्लूकोज बाद में टर्माइट्स भी इसको खा लेता है और ये जो यहां पे प्रोटोजोन से ये भी इसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, बड़े भाईचारे से दोनों वहां पे पास पास में रहते हैं, कौन ट्राइकोनिम्फा किसमें है इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, लोफोमोनास किसमें इंटेस्टाइन ऑफ फूड रोचेस, दोनों ही क्या सीक्रेट करते हैं बीटा ग्लूकोसाइडेज, क्या करता है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है क्योंकि इनके पास में एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, और फिर क्या करेगा, जो सेलुलोज है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, खाना मिल गया क्या ग्लूकोज के फॉर्म में एंड ग्लूकोज क्या होगा इट विल बी शेयर्ड, दोनों आराम से दोनों भाई बंधु आराम से बैठ के इसको खा लेते हैं। क्लियर है, सो वी हैव फिनिश्ड द किंगडम प्रोटिस्टा and in the next lecture we are going to discuss about the very broad you can say chapter, kafi usme concept hai, kafi questions poochte hai NEET ke andar, that is about the animal kingdom, wo kya karenge apan agle jo lecture hoga usme usko kya karenge discuss karenge।